अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 मरले के घर का मैप लेके आया हूँ, जो कि मैंने अपने एक दोस्त की फरमाइश पे बनाया। तो चलें हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें जो इसका फ्रंट है वो 25 फिट है और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 50 फिट है। ये एक नॉर्मल है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ये। तो इसमें हमने ये मेन गेट रखा है, मेन गेट ये गराज बनाया हमने गाड़ी पार्क कार पार्क करने के लिए, बाइक वगैरह हम यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ये सीढ़ियाँ दे दी हैं ऊपर छत के लिए। तो बिल्कुल इसके इस तरफ आए अगर हम, तो ये हमने ड्राइंग रूम बना दिया है, जिसकी जो है जिसकी पैमाइश है 12 फुट 12.6 फुट मल्टीप्लाई 13 फुट। तो इसी तरह गैराज की है 10.8 फुट मल्टीप्लाई 19.10 फुट। तो हमने ड्राइंग रूम के साथ ही एक बाथरूम अटैच कर दिया। ये बाथरूम है जिसकी हमने पैमाइश रखी है 9 फुट और 4 फुट। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से भी डोर दे सकते हैं, लेकिन हम मैंने यहाँ पे डोर दिया इसको बाथरूम के लिए, और ये मैंने हवा के लिए खिड़की रख ली है। इस तरह आगे चलते हैं। ये हमने बनाई है मेन इंट्रेंस में हमने 3 दरवाजे रखे हैं। ये मेन डोर है, इसमें थोड़ी थोड़ी दीवारें बना के हमने ये मेन डोर रख ली है, और इसके साथ ही हमने ये बना लिया किचन, जिसकी हमारी जो पैमाइश 8.6 इंच मल्टीप्लाई 8.8 इंच सॉरी फुट। तो किचन की हमने सर्कुलेशन के लिए ये हमने रखा है यहाँ पे, हाँ खिड़की दे दी है ये सीढ़ियों के बिल्कुल साथ ही, ताकि यहाँ पे हवा का जो होता है वो हवा का गुज़र होता रहे। ये हमने इस साइड पे इसकी बिल्कुल सलफ बनाई है, जिसमें आप अपना ओवन वगैरह या जो भी किचन एसेसरी हैं, तो उसके अलावा ओवन आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, बर्नर आप जिस जगह पे मर्ज़ी रख लें, ये हमने बना दिया। ये खाली जगह छोड़ दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ और चीज़ रखने के लिए जैसे फ्रिज वगैरह रखने के लिए। इसके साथ ही अगर हम इधर से बाहर निकलें तो ये ड्राइंग रूम का डोर एक अंदर से इंट्रेस के लिए है और एक ये बाहर से इंट्रेस के लिए है, हमने दोनों तरफ से इंट्रेस रखी है। और ये हमने इसकी हवा के लिए सर्कुलेशन के लिए हमने यहाँ पे खिड़की रख दी है। इसी तरह हमारा बिल्कुल यहाँ पे अगर आ जाएं तो ये हमारा टीवी लॉन्च है, ये हमने टीवी लॉन्च बना दिया। यहाँ पर आप सोफ़े वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल यहाँ पे हमने इसका यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया है एलसीडी के लिए। ये जो मैं रेड किया हुआ है ये एलसीडी के लिए लगा दी, यहाँ पे हम अपनी एलसीडी वगैरह लगा सकते हैं। इसी तरह हम इसकी जो हमने पैमाइश रखी है वो 14.8 फुट मल्टीप्लाई 13.9 फुट रखी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। अगर आप इससे हम अगर आगे चलें तो हमने इसमें 2 बेडरूम बनाए हैं, एक बेडरूम हमने बड़ा बनाया और एक बेडरूम हमने छोटा बनाया। जो बड़ा बेडरूम है उसकी हमने जो पैमाइश रखी है उसका जो साइज़ रखा है 11.7 मल्टीप्लाई 13 है, 13 फुट है। इसमें एक चीज़ है वो आप पे डिपेंड करता है आजकल, क्योंकि लोहे की सेब वगैरह कोई लेना पसंद नहीं करता, बेहतर है ये आप यहाँ पे नीचे बनवा के थोड़ी सी, अब जब आप घर में मिस्त्री वगैरह लगवाएंगे उससे बनवा के नीचे एक स्लेट बनवा लेनी है, स्लैब बनवा लेनी है। इसी तरह बिल्कुल एक स्लैब बनवा लेनी है, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी अलमारी कपड़ों के लिए अच्छी खासी अलमारी बन जाती है। इसी तरह इस रूम में आ जाए तो इस साइड पे हमने अलमारी के लिए जगह बना दी है, ताकि हम अपने यहाँ पे अलमारी बना सकें। तो ये बेडरूम है, इस बेडरूम का ये इंट्रेस गेट है, इंट्रेस डोर है,
और इसके साथ ही हमने ये बाथरूम के लिए ये बाथरूम बना दिया है जो कि अटैच बाथरूम है, जिसका साइज़ 7x4 है। इसी तरह इस बेडरूम के लिए हवा की सर्कुलेशन, ये हमने इसके साथ ही हमने ये ओपन एरिया बाहर रखा है। इसके ऊपर हम कुछ सेल्फ वगैरह डाल देंगे या सरिया वगैरह खाली लगा देंगे, इसको हम बंद नहीं करेंगे। ये हवा की सर्कुलेशन के लिए ये बड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि हम लोगों को घरों में बड़ा मसला बनता है वाशिंग मशीन रखने के लिए, कपड़े धोने के लिए, यहाँ पर आप काफ़ी काम कर सकते हैं, वाशिंग मशीन रख के कपड़े वगैरह धो सकते हैं। तो उसके इसके जो हमने जगह छोड़ी है वो 11.8x4 यानी यहाँ पे इसकी 4 फुट जो है ना इसकी चौड़ाई हो जाएगी और 11.8 फुट इसकी लंबाई हो जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा जगह बनती है, इसमें हम इजीली कपड़े वगैरह धो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अगर इधर से इधर आ जाएं, हमने ये डोर रख दिया दूसरे बेडरूम का, ये डोर रख दिया, ये इंट्रेंस डोर है दूसरे बेडरूम का। इसके अलावा इसकी जो पैमाइश है वो 11.7x12 है। तो ये काफ़ी अच्छा बेडरूम, ये भी अच्छा बेडरूम बन जाता है। तो इसके साथ भी हमने ये बात अटैच बात की बात के लिए जगह रखी है, ये हमने अटैच बात रख लिया। दोनों बात को हमने ये खिड़कियां लगा दी हैं जो दोनों बात के वगैरह को हवा की सर्कुलेशन के लिए, और ये एरिया हमने ओपन रखा हुआ है दोनों बात। इसी तरह ये जो मेन सारी ये जो बाहर वाली दीवार है ये सारी मैंने 9 इंच की रखी है। और इसी तरह अगर हम ये तो डिपेंड करता है आप पे जिसने बनवाना है वो किस तरह के बनवाने, लेकिन इस मैप में हमने सिर्फ एक ये 9 इंच की दीवार रखी है। उसके अलावा हम मैंने सिर्फ एक ये वाली दीवार और ये तीन दीवारें, ये दीवार, ये जो सारी बाहर की दीवार है ये सारी जो 9 इंच की है, इसके अलावा ये दीवार हमने 9 इंच की रखी है, ये दीवार 9 इंच की रखी है और ये दीवार 9 इंच की रखी है। इसके अलावा बाकी जितनी दीवारें हैं वो सारी 4.5 इंच की हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप लोग कितनी ज़्यादा, आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं।